हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की एमसीक्यू की कक्षा को। कंप्यूटर के एमसीक्यू को हम डिटेल में देख रहे थे, हम इसे यूट्यूब में लाइव आकर देख रहे थे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड करके बना के अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए देखना, हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर का एमसीक्यू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजी व्यापम की तैयारी में कंप्यूटर का 150 में लगभग 20 क्वेश्चन रहता है, और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा विषय है जिसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जा सकता है। और कंप्यूटर को तैयार करने के लिए सबसे जरूरी जो है, पहला तो पूरा थ्योरी पढ़ना। तो हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत ढेर सारे थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप किसी न किसी बुक से भी थ्योरी के वीडियोस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्यों? क्योंकि व्यापम में 20 प्रश्न यदि आ रहे हैं तो 8 से 10 प्रश्न आपका पुराने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही होता है। इसीलिए मैं एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि पुराने क्वेश्चन की पूरी तैयारी कर सके। पूरी तैयारी कहने का मतलब ये है कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एमसीक्यू देखेंगे, जिसका एक आंसर होगा, स्वाभाविक है, तो उस क्वेश्चन और आंसर को तो हम समझेंगे ही। साथ ही बचे हुए 3 ऑप्शन भी किस प्रकार के फैक्ट के आंसर हो सकते हैं उसे भी हम समझते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारा 4 क्वेश्चन तैयार होते जाएगा। तो ये वीडियो हमारे लिए भी, हमारे ऑनलाइन कोर्स में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो काम का है ही। उसके अलावा जो भी वीडियो को देखेंगे वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है, और सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज का यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इससे सीधा सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको सीजी व्यापम से संबंधित लॉन्ग टर्म ऑनलाइन कोर्स, जिसकी फीस मात्र 4,999 है, 600 से अधिक घंटे के वीडियो लेक्चर आपको इसमें मिलेंगे। व्यापम की जो आगामी परीक्षाएं हैं जो होनी है, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक, अमीन संयुक्त भर्ती, आरआई, एडीओ, इसकी तैयारी आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम का जब भी एग्जाम होगा मात्र 40 दिन का समय दिया जाता है, और इस 40 से 45 दिन में इतने बड़े सिलेबस की तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो समय के पहले आप तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काफी क्वेश्चन हम एमसीक्यू के देख चुके थे, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, या एमएस ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। सुपर स्क्रिप्ट या दूसरा इसका भाई होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है क्या? सुपर स्क्रिप्ट कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ भी आप पावर में लिख लें, x^2, 10^2016, जो भी पावर में लिखा रहा है वो कहलाता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। और जो भी बेस में लिखाएगा, जैसे केमिस्ट्री में आप लिखेंगे H2O2, या मैथ्स में लिखेंगे log base 10, इस प्रकार का यदि आप लिख रहे हैं, जो भी बेस में नीचे लिखा रहा है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है। जब भी टाइपिंग करेंगे तो राइटिंग टूल में आपका जहां पर आप फॉन्ट बदलते हैं, फॉन्ट साइज बदलते हैं, कलर बदलते हैं, वहीं पर ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन रहता है। ऐसा कुछ साइन बना रहता है, ए और ऊपर में ऐसा कुछ बना रहेगा, या फिर आपका ए छोटा और नीचे में ऐसा कुछ बना रहेगा, देखिएगा ऐसा 2 बॉक्स आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो ये तो भाई माउस से क्लिक करके हम यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की याद करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप धड़ाधड़ प्रैक्टिस कीजिए कंप्यूटर में बैठ के, या तो रटिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो याद रखना है कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift++, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस का साइन, तीनों को आपको एक साथ दबाना है, ठीक। तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट के लिए रहेगा। उसी प्रकार सब स्क्रिप्ट भी हम एक सीखें। सब स्क्रिप्ट क्या है? सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की रहेगा Ctrl+Equal। कंट्रोल और इक्वल को आप साथ में दबाएंगे तो वो सब स्क्रिप्ट का काम करेगा।
तो फिर ये कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन क्या है? एक्चुअल में ये कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। कंट्रोल और ये प्लस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की अगर मैं बात करूं, यानी कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को साथ में दबाया जाए, तो इससे क्या होता है? इससे जो है फॉन्ट साइज बढ़ता है। इससे क्या होता है भैया? आपका फॉन्ट साइज बढ़ता है, ठीक है। और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन में करूं तो इससे फॉन्ट साइज कम होता है। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार एक क्वेश्चन में हम ढेर सारे फैक्ट कवर करते जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? पोर्ट्रेट होता है पेज ओरिएंटेशन। कहने का अर्थ ये है कि आपका पेज कैसा दिखेगा। अगर आपका पेज इस प्रकार से खड़ा दिख रहा है तो ये कहलाता है आपका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब जैसे फोटो को टांगते हैं, फोटो को ही पोर्ट्रेट कहा जाता है, जो दीवार में टांगते हैं तो जनरली ऐसी ही फोटो टंगती है, इसीलिए इस मोड को पोर्ट्रेट कहा गया, ठीक। दूसरा होता है आपका लैंडस्केप, जो ऐसा आड़ा दिखेगा। क्या कहते हैं इसे? लैंडस्केप, ठीक है। तो आड़ा है तो लैंडस्केप है, खड़ा है तो पोर्ट्रेट है। लैंड यानी जमीन में लेटा हुआ है, तो जो लेटा हुआ है वो लैंडस्केप है, ऐसा जबरन का तुकबंदी बढ़ा के याद रख ले, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल क्या है? अलग अलग डिजाइन के जो हमारे फॉन्ट दिखते हैं वो फॉन्ट स्टाइल है। पेज मार्जिन क्या है? इसी पेज में मैं ऐसा मार्जिन बना दिया, ये पेज मार्जिन कहलाएगा, बीच में लिखाएगा जो भी लिखाना है, ठीक। पेज साइज क्या है? पेज साइज यानी कि आपका जैसे कि A3 हो गया, A4, A4 तो आप सभी जानते हैं। A4 क्या होता है? नॉर्मल जो फोटोकॉपी आप करवाते हैं या प्रिंट आउट करवाते हैं वो क्या साइज कहलाता है? A4 साइज कहलाता है। A3 A4 का डबल होता है और A5 A4 का आधा होता है, इसको याद रखना है। A5 क्या होगा? A4 का आधा, और A3 क्या होगा? आपका A4 का डबल, ऐसे याद रखना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखिए व्यापम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस बात का ये प्रूफ है कि ये क्वेश्चन फिर से आ गया। तो क्वेश्चन जैसे ही मैं अभी अगले में कराऊंगा तो मुझे एग्जैक्ट याद रहे, जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब ये एग्जाम में आया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ। डिजिटाइजेशन क्या होता है? कि किसी भी चीज को 0 और 1 में कन्वर्ट करना डिजिटाइजेशन कहलाता है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक। तो ये एनिमेशन नहीं है, ये तो एक प्रकार का कंप्यूटर कहला रहा है। लूपिंग होता है एनिमेशन में, रेंडरिंग होता है, मॉर्फिंग होता है। लूपिंग मैंने बताया है कि कोई प्रोसेस अगर बार बार चलता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। मॉर्फिंग, एक इमेज बदल के दूसरा इमेज बन जाए या कई सारे इमेज मिलाकर एक नया इमेज बने, तो इसे भी क्या कहा जाता है? मॉर्फिंग कहा जाता है। और रेंडरिंग, 2D से 3D इमेज में कन्वर्जन क्या कहलाता है? रेंडरिंग कहलाता है। समझ चुके हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU रजिस्टर नहीं है? तो याद रखना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नाम सही लग रहा है, रजिस्टर है, हाँ है, जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। एक्यूमुलेटर, हाँ, जहां डेटा स्टोर होते हैं, ठीक। प्रोग्राम काउंटर, कितने प्रोग्राम आपके रैम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी संख्या का निर्धारण करता है कौन? प्रोग्राम काउंटर। डेटा बस कहने का मतलब ये होता है वह केबल, वह वायर जिसमें डेटा बहता है, जिसमें आंकड़े बहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेटा बस। तो ये आपका रजिस्टर का या मेमोरी का पार्ट नहीं, ये तो केबल है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। मैंने बताया कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। जो हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। देखिए शायद पहले किसी वीडियो में ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इसको मैंने सही बताया होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ये गलत है, ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर है। दोनों लगभग सेम दिखता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
कंप्यूटर की मेरी बुक आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें मैं परफेक्टली एक एक चीज बताऊंगा इवन इमेज के साथ, ताकि आप देख के उसे आसानी से समझ सके। साथ ही साथ बुक में ये भी फैसिलिटी रहेगी कि यदि किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो उस टॉपिक का डिटेल वीडियो का QR उस बुक के साथ लगा रहेगा, ठीक है। तो यानी आप वो QR को स्कैन करेंगे, उसका वीडियो सीधा आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो में भी उसे देख सकते हैं। खैर, और भी ढेर सारे फीचर हम लाएंगे बुक में, जो करेंगे अच्छे ही करेंगे, अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट मटेरियल और कंटेंट उपलब्ध है। देखते हैं, अभी प्रोसेस में है बनने कार्य, तो ये गलत है। ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, प्लॉटर एक प्रकार का वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। जी हाँ, करता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बताइए निम्नलिखित वाक्य सही है गलत। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो डिजिटाइजर होता है, बेसिकली जब पहली बार डिजिटाइजर बना तो वो केवल और केवल डिजिटाइजर बना था इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए नहीं बना था। लेकिन आज की डेट में जो डिजिटाइजर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है आज की डेट में ना? लेकिन डिजिटाइजर का मतलब हम यही समझेंगे, डिजिटाइजर मतलब यही डिजिटाइजिंग टैबलेट, इसे ही डिजिटाइजर कहते हैं। तो हम डिजिटाइजर मतलब यही समझेंगे कि वो इनपुट यूनिट ही है, ठीक है। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये तो गलत हो गया। पर आज की डेट में है ना, इनपुट आउटपुट दोनों। अरे आपका टैबलेट है वही है और कुछ नहीं है, टैबलेट। अरे इतना बड़ा टैबलेट है, ठीक है, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है डिजिटल स्क्रीन, ये इतना बड़ा टैबलेट है समझ लो। तो ये आउटपुट भी है, क्वेश्चन दिखा रहा है, इनपुट भी है, मैं इसमें लिख रहा हूँ, दोनों का काम कर रहा है। वैसे ही टैबलेट आ रहा है, मैं उसमें देखूंगा भी और लिख भी सकता हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ डिजिटाइजर, जो पहला डिजिटाइजर बना उसकी बात हो रही, जो कि एक इनपुट यूनिट। चलो, आमतौर पर डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में धीमे होते हैं। जी नहीं, डेजी व्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में फास्ट होते हैं, ठीक है। तो आपका पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर ए दोनों गलत, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। जो हमारी बुक आएगी उसमें सारे प्रिंटर का एक कंपैरिजन हम बनाएंगे, टेबल, बेहतरीन टेबल बनाएंगे एक बार में, प्रिंटर से रिलेटेड कोई आपको डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो भाई इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज तो प्रिंट करता ही नहीं है डॉट मैट्रिक्स, लाइन भी करता ही नहीं है, और स्प्रे तो होता ही नहीं है। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है? डॉट डॉट का स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर, ध्यान रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो आपका ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज विंडोज 10, 11, 7 ये तो आप जानते ही हैं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओरेकल एक कंपनी है, बेसिकली ओरेकल एक डेटाबेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, ठीक है, एक कंपनी का भी नाम है और ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी, याद रहेगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए, आपका जेनिक्स और यूनिक्स दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एमएस डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस फुल फॉर्म इसका एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। तो एमएस डॉस आपका क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये दोनों मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर यदि इसकी जगह रहता तो आंसर होता ए और सी, ए और सी दोनों नहीं होता, बी और सी दोनों बनेगा। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंक जेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, ये तो डॉट मैट्रिक्स करता है इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, हाँ शायद हो सकता है, आगे पढ़ो। इंक्ड रिबन पर स्ट्राइक, स्ट्राइक तो केवल इंपैक्ट प्रिंटर में होता है, और इंक जेट आपका इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है।
कागज पर स्याही गिराने से, जी हाँ कागज पर स्याही गिराने से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से नहीं होता, क्लियर? क्योंकि इंक जेट, इंक स्याही, स्याही गिराएगा, सिंपल से लॉजिक है। अगला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों में सही और गलत की पहचान करें। मैलेवेयर, मैलवेयर है बेसिकली वो, मैलवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ना कि हार्डवेयर। तो इसीलिए पहला क्या हो गया आपका, गलत। मैलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक, बताया है मैंने इंटरनेट सिक्योरिटी वाले टॉपिक में ध्यान रहना चाहिए भाई, जो ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत हमारे स्टूडेंट है वो ध्यान रखेंगे, और जो ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत नहीं है वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 499 रुपये फीस है, 40 से अधिक घंटे के वीडियो लेक्चर प्लस कम से कम 10 एग्जाम के सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, वही ये प्रोसेस चल रहा है, और उसके अलावा जितने एग्जाम के सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं आपको बताते जाऊंगा लगातार, ठीक है? ताकि वो आपके एग्जाम में आपके आपके लिए काफी हेल्पफुल। फिर लिखा है बूट सेक्टर वायरस, वायरस का एक प्रकार है, जी हाँ है। तो आपका पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए अगर आप बेसिक क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है आपका, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, नहीं तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर था कि हार्डवेयर था कंफ्यूज हो जाओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर रिव्यू मेनू के अंतर्गत आता है। देखिए स्लाइड सॉर्टर क्या है, एक व्यू का नाम है, इसका नाम है व्यू, यानी ये कैसा दिखेगा, और कहीं भी वर्ड लिखाया रिव्यू, कहीं भी वर्ड लिखाया रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है कि उसे चेक करना, और रिव्यू में हमेशा आपका रहेगा लाइन एरर, फुल स्टॉप, ग्रामर, सिंटेक्स एरर, स्पेलिंग, ये सारी चीजें रहेंगी कहाँ, आपका रिव्यू में। इसीलिए स्लाइड सॉर्टर जो है वो व्यू या डिस्प्ले के अंतर्गत रहेगा, ना कि रिव्यू के अंतर्गत, इसीलिए पहला गलत हो गया। ठीक, एमएस पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 नहीं होता, कहीं भी एमएस ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ना कि F9। याद रहेगा किसका प्रयोग किया जाता है, F7 का, ध्यान रहेगा जी। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत। सॉरी ये सी नहीं होगा, इसका होगा डी, एक और दो दोनों गलत है। कौन सा गलत है पूछ रहे हैं ना, देखो ये एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना तो एक ना ही दो, तो ना तो एक ना ही दो मतलब दोनों गलत नहीं है, है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब, और यहाँ पर होगा एक और दो, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, IPv6 में आईपी एड्रेस का साइज क्या होता है, तो भाई ये तो रटने की चीज है, 128 बिट, कितना होता है 128 बिट, ये रटना है, ठीक है? इसको समझ नहीं सकते 32 बिट, 64 बिट, 96 बिट, क्या है? रटना है। IPv6 यानी इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6, ये होता है IPv6, उसमें ईमेल एड्रेस का साइज 128 बिट होता है, ठीक है? कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, समझ नहीं सकते। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सकार एकेडमी के ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। सकार एकेडमी का लॉन्ग टर्म CG व्यापम का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है, जिसमें CG व्यापम के जो कॉमन सिलेबस है, इंडियन GS, CGGS, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, कंप्यूटर, सभी के 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। प्लस यदि कोई एग्जाम आता है नया, जैसे कि आपका एग्जाम होगा ADO,
ईडीओ का यदि एग्जाम आता है तो ईडीओ के एग्जाम से संबंधित जो अलग सिलेबस का पोर्शन रहेगा, आजीविका, पंचायती राज, ठीक है, और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ये सारे पोर्शन अलग से ऐड किए जाएंगे, ठीक है। जब यह पोस्ट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो अलग से इसका कोर्स भी रहेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म ज्वाइन करते हैं तो आपको इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप साथ ही में सब इंस्पेक्टर के लिए हम विशेष ऑनलाइन कोर्स कम समय के लिए, भाई इसका मई में नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, तो सब इंस्पेक्टर का जो हमारा कोर्स 4,000 का था, वो हम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसकी फीस 2,500 कर रहे हैं। साथ ही साथ मई के प्रथम सप्ताह में हम ऑफलाइन और लाइव स्पेशल रिवीजन क्लास बनाएंगे सब इंस्पेक्टर की प्री की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, दोस्तों का आप रिफर कर सकते हैं। इसके साथ ही गणित और रीजनिंग का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स मात्र 999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कक्षाएं गणित और रीजनिंग की 8:45 बजे सुबह रोज होती है, आप ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर का भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस मात्र 499 रुपये। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे, उबंटू भी ओपन सोर्स है, सोलस भी है, फेडोरा भी है। आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब मुद्दा यह है कि ये ओपन सोर्स क्या बला है, ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स कहने का मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बना है वो पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाना, ये कहलाता है ओपन सोर्स। जैसे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर हम बात करें, विंडोज 11 स्टार्ट बटन को आप टच करोगे तो वो स्टार्ट बटन जो है आपका, उससे जो कार्य होना है, स्टार्ट मेनू खोलना है, प्रोग्राम और डिटेल सारी चीज दिखाना है, वो दिखाएगा, उसका बदल नहीं सकते। लेकिन ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि उसको आप बदल सकते हो, कि भैया स्टार्ट मेन्यू को टच करे तो सिस्टम बंद हो जाए, तंग करने के लिए आप काम कर सकते हो, आप उसे बदल सकते हो। तो ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है, उसका कोड भी आपके पास रहेगा, आप यदि उसकी प्रोग्रामिंग जानते हैं, समझते हैं, तो उसे बदल सकते हैं, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खालिस्तान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, तो वो है हमारा वेब क्लाइंट, याद रखना, ठीक है। वेब क्लाइंट करता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज को भेजता है। बाकी ऑप्शन को कैसे तय करेंगे, देखो वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर आपका जैसे WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जहां ढेर सारी स्टोर है, वो वेब सर्वर कहला रहा है, ठीक। वेब पेज जो वेबसाइट आपको दिख रही है, google.co.in, ये क्या है, एक वेब पेज है, ठीक। वेब सिस्टम कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये जबरन लिख दिया गया है, वेब सिस्टम मतलब कॉन्सेप्चुअली ये कुछ नहीं है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ सिस्टम वेब सिस्टम कहलाए, ठीक है। तो ऐसा कोई खास टेक्निकल टर्म ये है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या करता है, पेज ढूंढता है, आपको दिखाता है, ठीक है। चलो और भी इंटरनेट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, देखते जाते हैं लाइन से क्या लिखा हुआ है। एक्सेल शीट के पूरे कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो पूरे रो और कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की हमारा रहेगा। देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार को यदि हम दबाएंगे तो पूरा का पूरा हमारा रो सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाएंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। भाई एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में हमारे रो होते हैं और ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है, ठीक है। अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस बार के साथ कंट्रोल दबाना है, सी यानी कंट्रोल, सी अर्थात कॉलम, तो स्पेस बार के साथ अगर कंट्रोल दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका कॉलम क्या होगा, सेलेक्ट। आप यदि किसी यहाँ के इस सेल में है, मान लो ये वाले सेल में यदि आप हैं और इस सेल में रहते हुए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाएंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, ठीक। और यदि आपको पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला रो सेलेक्ट करना है, तो आप स्पेस बार के साथ किसे दबा दोगे,
तो याद रखना है, स्पेस के साथ अगर कंट्रोल दबा रहे हैं तो कॉलम सेलेक्ट होगा, कंट्रोल सी कॉलम सी लिंक कर लेना, स्पेस के साथ शिफ्ट यदि दबा रहे हैं तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट। ठीक, अगला, निम्न डिवाइस में किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सेमीकंडक्टर, कॉम्पैक्ट डिस्क, चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो टेप सबसे स्लो होता है, उससे स्लो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी डीवीडी ये होता है, और फिर आपका उससे तेज रहेगा मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे तेज रहेगा सेमीकंडक्टर मेमोरी जिससे आपका रैम बनता है, रजिस्टर बनता है, यही है सेमीकंडक्टर मेमोरी, और सबसे फास्ट यही रहेगा। अगर यहां मैं रैंकिंग दूं तो पहले नंबर पे सेमीकंडक्टर है, दूसरे में मैग्नेटिक डिस्क अर्थात हार्ड डिस्क है, तीसरे में आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है, और सबसे स्लो है मैग्नेटिक टेप, ध्यान रहेगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? तो भैया वायरस तो है ही नुकसानदायक, फ्रीवेयर तो है ही नुकसानदायक, शेयरवेयर भी है यानी एंटीवायरस नहीं है, एंटीवायरस तो नुकसानदायक है ही नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक, अच्छा नुकसानदायक है पूछ रहा है, सॉरी, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, तो नुकसानदायक क्या है? वायरस सबसे ज्यादा नुकसानदायक। ठीक है, अगर नुकसानदायक नहीं है पूछता तो एंटीवायरस। देखो जो फ्रीवेयर है, फ्री में सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसको फ्रीवेयर कहते हैं, और जो फ्री में मिल रहा है हो सकता है उसमें कुछ वायरस छुपा के भेज दिया जाए, इंटरनेट सिक्योरिटी मैंने बताया है इसे। शेयरवेयर यानी जो भी आप शेयर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एपीके फाइल शेयर कर रहे हो, कुछ भी शेयर कर रहे हो वो शेयरवेयर कहलाता है, और शेयर करने में भी कोई वायरस आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी नुकसानदायक है। तो अगर इसमें से पूछता कौन सा नुकसानदायक है तो डेफिनेटली वायरस, लेकिन कौन सा नुकसानदायक नहीं है तो एंटीवायरस तो बिल्कुल नहीं, बाकी सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा है, और वायरस तो पूरा पूरा। ठीक है, चलो अगला, सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स मुद्रण प्रदान करता है प्लॉटर। प्लॉटर का काम ही है बड़े और हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करना, ये कौन करता है? प्लॉटर करता है। लेजर इसके पास सेकेंड नंबर पे है, फिर इंकजेट थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे डॉट मैट्रिक्स। सबसे हाई क्वालिटी का करेगा प्लॉटर, सेकेंड नंबर हाई क्वालिटी लेजर, थर्ड नंबर हाई क्वालिटी इंकजेट, और फोर्थ नंबर डॉट मैट्रिक्स, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से अलग कौन है? सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सैंड डिस्क और बायोस। तो भाई आपका सीडी और सैंड डिस्क नहीं है, एसडी है। ठीक है, एसडी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये तीनों जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। बायोस जो है वो एक प्रकार का रोम है। बायोस क्या है? एक प्रकार का रोम है, यानी ये प्राइमरी मेमोरी है। तो इसमें अलग क्या है आपका? बायोस, बाकी सब तो सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, हम जानते हैं सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ज्यादा डेटा स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क हम जानते हैं मैग्नेटिक टेप का एक उदाहरण है, और उसी प्रकार से एसडी डिस्क यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिस्क एसडी डिस्क कहलाएगा। एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम, ये वही फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और पूरे रो का सिलेक्शन किससे होगा? शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। अच्छा, बाकी दोनों ऑप्शन हम उस समय नहीं समझे थे, फिर समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा आपका रो और कॉलम जितना भी सेल है सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए मतलब होता है ये सेलेक्ट ऑल, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, कहीं भी सभी को सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कंट्रोल ए का इस्तेमाल होता है। और कंट्रोल F10 मतलब होता है विंडो को बड़ा करना। कंट्रोल के साथ F10 दबाओगे तो जो विंडो आपका मिनिमाइज है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये भी शॉर्टकट के साथ में याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या चार चीजें इंटरनेट के जुड़ने के लिए आवश्यक है? इंटरनेट जब मैंने शुरू किया था कोर्स के अंतर्गत पढ़ाना, पहला लाइन में यही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल है।
क्या चार चीजें इंटरनेट के लिए आवश्यक है? तो देखो आपका एक जो ऑप्शन है, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडर्न विद टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें पांच चीज हो गई, तो इसलिए ये तो गया। याद रखना हमेशा आवश्यक होता है टेलीफोन लाइन, मॉडम कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन, मॉडम कंप्यूटर, आईएसपी, ऑप्शन नंबर ए, यही जरूरी होता है। ठीक है भाई, टेलीफोन लाइन पहला होता है आईएसपी, इसका स्टेप याद रखिए। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपका एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, जो टेलीकॉम कंपनी है वही कहलाएगी क्या? आईएसपी। ठीक, आईएसपी से भाई घर को यदि हमें कनेक्ट करना है, तो घर को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए? टेलीफोन लाइन चाहिए। अब टेलीफोन लाइन में क्या होगा भाई? एनालॉग सिग्नल आएगा, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए घर में क्या लगेगा? मॉडम लगेगा। और मॉडम किस में जुड़ेगा? आपका कंप्यूटर। तो आईएसपी, आईएसपी से टेलीफोन लाइन, से मॉडम, से कंप्यूटर, ये चार ही है जो जरूरी है। तो टेलीफोन लाइन, मॉडम, कंप्यूटर और आईएसपी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की प्रक्रिया एनिमेशन में क्या कहलाती है? मॉर्फिंग कहलाती है। ध्यान रहेगा, दो या दो से अधिक इमेज को मिलाकर एक इमेज, मैं बताया हूं इससे पहले, एनिमेशन का एक क्वेश्चन और देखें, और वहां पर वो ऑप्शन के फॉर्म में था मॉर्फिंग, अब सीधा मॉर्फिंग को क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, बनेगा। बाकी तो हमें पता है भाई, मॉडलिंग अलग है, एनिमेटिंग अलग है, रैपिंग अलग है, देख चुके हैं सभी। ठीक, तो याद रखना है जितने भी एमसीक्यू हम देख रहे हैं उससे संबंधित ऑप्शन के सभी फैक्ट, और एमसीक्यू को समझते जाना है। आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और साथ ही साथ आपका थ्योरी भी इसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर होते जाएगा। लेकिन उसके अलावा और थ्योरी जानने के लिए आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर की एक मेरी बुक आने वाली है, आप बिल्कुल उसे फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है वो भी सभी अच्छी बुक है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा उससे कुछ बेहतर करने का, देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सकार एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेस हमारे ऑनलाइन प्रारूप में सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, और ऑफलाइन कक्षाएं हमारी चल रही है। सुबह 7 बजे सीजीपीएससी प्री और व्यापम की लॉन्ग टर्म सेपरेट बैच चल रही है, मैथ्स की सेपरेट बैच रोज सुबह 7:45 चल रही है, सब इंस्पेक्टर की स्पेशल बैच शॉर्ट टर्म के लिए, केवल प्रीलिम्स के लिए रिवीजन बैच, ऑफलाइन क्लास प्लस लाइव बनाई जाएगी। और इसके साथ ही जो भी व्यापम का नया एग्जाम आएगा, एडीओ के सेपरेट सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, और यह लॉन्ग टर्म में इसकी क्लासेस इंक्लूड रहेंगी। लॉन्ग टर्म के विद्यार्थियों को अलग से सेपरेट सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा सकार एकेडमी से जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।